लोग रोते हैं इस बात पर कि हमें कोई संसार में प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं है। यही तो सिद्धि है। आओ इस मार्ग में, आध्यात्म में, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार ना करे। ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब तो उसकी बात में समझो कि तुम्हें वो कितना प्यार करता, वो क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है। क्या सोच रहा है वो कि मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हें जो बहुत प्यार करता है उसकी बात सुनना। अगर उसमें विवेक जागृत है तो उसमें गंध मिलेगी केवल स्वार्थ, केवल स्वार्थ की। कहीं किसी कोने में तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। पूरी प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है उसमें केवल स्वार्थ नृत्य कर रहा होगा, केवल वासना नृत्य कर रही होगी, केवल कामना का तांडव होगा। बस विवेक से देखना, बुद्धि से देखना। अगर विवेक नहीं तो सब फंसे हुए तो उसी में है, तो रोना नहीं है। अब आध्यात्म से जुड़ करके असली और नकली प्यार को समझना है कि कौन आपको असली प्यार कर रहा है, कौन नकली कर रहा है, कौन अपना है, कौन पराया है। और अब तो ये कलयुग है, इस कलयुग में तो सब सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। समझना इस बात को कि आप जिस ड्रामा में हैं सबसे प्रेम भाव रखिए, तोड़ रखिए, सबके साथ में निभाना है। लेकिन बुद्धि जिससे प्यार मिलना है, जिससे हमारा सब कुछ है, जो हमें सब कुछ देता है, उससे जोड़कर रखनी है बुद्धि को।